Assalamualaikum, welcome back to my new vlog. तो चलिए शुरू करते हैं। अभी दो हफ्ते पहले कुछ मुंबई जाके आए हम, फ्लाइट से गए, ट्रेन से आए, एक दिन का जो सफर था, फिर से वापस वही सीन वापस आ रहा है। ऐसी चल रहा है, रात का सफर है अभी, देवगिरी है ना अपनी, देवगिरी से निकल रहे अभी। 12 बजे की, 11:30 की ट्रेन थी वो, 12 बजे आ रही। अरे रुको यार, 2 मिनट, 11:30 की ट्रेन थी वो, 12 बजे आ रही हो। और कल देखेंगे इंशाल्लाह, कल रात में बैठेंगे ना तो शाहरुख खान बुला रहे हैं। शाहरुख खान ने हमें कॉल किया है, मन्नत पैकेज हम बिल्कुल आके जाएंगे। बोला शाहरुख भाई भैया, सामने वाली गाड़ी मालूम तो कौन सी है? कौन सी है? नंदीग्राम। कहाँ जा रही हो? नंदीग्राम आदिलाबाद। आदिलाबाद जा रही है, अपनी ट्रेन आ रही है गाइस। अरे हो, ओ माय गॉड, अरे हट रे गाइस, आ रहा हट। देखो गाइस क्या ट्रेन आ रही है हमारी, खूबसूरत सूरज की किरणों की। माय गॉड, बहुत प्यारी ट्रेन है देवगिरी, माशाल्लाह काफी अच्छी ट्रेन है। देखते हैं बाकी, कुछ कुछ ट्रेन अच्छे रहते हैं, ऐसे हर कोई ट्रेन अच्छी नहीं रहती। ये बहुत गंदी ट्रेन है, आई एम एक्सट्रीमली, ट्रेन की गलती नहीं है इसमें, लोगों की गलती है, लोग गंदा करते हैं। नो। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी ट्रेन आ चुकी है यहाँ से लेकर बम्बई तक, बम्बई से लेकर रिटर्न औरंगाबाद तक। कल ही चाह रहे हम रिटर्न, मेरे को बताओ। कल ही रिटर्न आ रहे हम। कल ने तो परसों, इंशाल्लाह सुबह में देखेंगे जैसा हो सकता है, आपको बताएंगे। पूरा व्लॉग में बने रहो, पूरा व्लॉग देखो अच्छे से। इससे पहले वाला जो व्लॉग था फैमिली के साथ गए थे, अभी हम दोनों से खाली अकेले सिंगल जा रहे, तो पूरा आपको बताएंगे, एकदम जबरदस्त मुंबई का टूर करेंगे जितना हो सके उतना। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। रुकी है मनमार स्टेशन पे, औरंगाबाद के बाद पहले सा स्टेशन आता है जहाँ पे खाने की भी अच्छी चीज़ मिलती है और पब्लिक भी अच्छी रहती है यहाँ पे। अभी 2 वड़ा पाव लिए मस्त, एकदम पेट भर के खा लिए, पेट पूरा नहीं भरा, थोड़ा भरा। अब इसके बाद डायरेक्ट नासिक उतरेंगी गाड़ी, जब तक अब नींद हुई अभी थोड़ी बहुत, और फिर से अच्छे से हो जाने की अब जागी नींद आ रही, क्योंकि दिन भर घूमने का कर जाएगी। टाइम तक तो रुकती नहीं है गाड़ी, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम तो आधा रुक गई है, आधा घंटा रुकने वाली ये करते हैं, अभी डिले है ट्रेन। अभी देखेंगे क्या करते हैं, अभी वड़ा पाव खाए, समोसा खाए, अच्छा तो रहता नहीं बोलते स्टेशन का, लेकिन अब क्या करेंगे भाई, मजबूरी का नाम जिंदगी। ऐसा कुछ था नहीं, अचानक एकदम असर के टाइम पे प्लान बना, ये ट्रिप भी वैसी हुई। इससे पहले ऐसा फ्लाइट से निकले थे, एक दिन पहले बुक करे थे टिकट, अभी भी वैसी कुछ सीन है। अभी शाम को प्लान बना, अचानक से वही ने बोले चलो यार जाकेंगे मुंबई, बोर हो रहे अभी, और हम भी फ्री थे, इतना कुछ काम था नहीं, हम भी बोरी हो रहे थे वो टाइम से, हम लोग बोले निकल जाएंगे। क्या करते भाई, बोल रहे रिटर्न जाते करते मनमार से निकल गए। सीट्स क्या देखना पड़ेगा, ये जो सामने ट्रेन है ये रिटर्न औरंगाबाद जा रही है। झूठी बात है, ये हावड़ा से आ रही है। भाई मारो, मुझे मारो, मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मौज बैठा ना यार, कुछ तो जरा सस्पेंस रहने दो, क्या है ये। हाँ तो मैं बोल रहा था ये गाड़ी रिटर्न औरंगाबाद जा रही और ये गाड़ी मुंबई जा रही, हमारे पास दो ऑप्शन है, क्या करने का बोलो। छूट बात है, वो गाड़ी औरंगाबाद नहीं जा रही, वो हावड़ा जा रही है। ये अफवाह है, अफवाह में ध्यान मत दे साथी। ट्रेन का टायर पंचर हो चुका है, लोहे के पटरे कौन सा टायर पंचर हो रहा है, लोहे के टायर है उसके यार, बन चुका था अभी। रात में दिमाग नहीं चल रहा, बोले क्यों नींद आ रही खाली अभी।
अच्छा सो रहे थे वही फुल नींद में थे, मैंने उठा के लेके आके वड़ा पाव खा रहे हो रहे थे तो वाक्य है भाई। हालांकि खाना खा के निकले घर में से, लेकिन फिर भी यार वड़ा पाव की बात नहीं आती। ये रास्ते पे वड़ा पाव मिलता, मुंबई की तरफ जाते उधर हैदराबाद की तरफ जाए या किधर भी हमारे सिटी में भी कुछ खास वड़ा पाव मिलता नहीं। ये रास्ता वड़ा पाव अच्छा मिलता, ये तरफ मिलता अच्छा वड़ा पाव। एक बोलने भाई उठ के आगे डायरेक्ट भाई की नींद में खराब हो गई। अब इसके बाद सोने का डायरेक्ट नासिक उठने का, यहाँ से नासिक का डिस्टेंस कुछ है 3-3.5 घंटे का। हाँ उत्तर डिस्टेंस है। उमर भाई अभी कुछ छुपाते हुए कर रहे थे, कुछ ब्लैक लिस्ट के ऐसा दिखा हमको कुछ तो भी थोड़ा सा। तो गाइस मनमार स्टेशन से रवाना होती हुई हमारी ट्रेन, और इसका सिर नासिक में भी लिंगने। हम लोग पहुंच चुके हैं सीएसटी स्टेशन, अभी सीएसटी स्टेशन से फटाफट भाग के आए इधर, और 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन थी। हम निकल रहे हैं बैंड स्टैंड के लिए, सुबह सुबह का मंदिर है, वहाँ जाके देखेंगे कैसा रहता था। गाइस हम लोग अभी उतर चुके हैं मस्जिद रेलवे स्टेशन से बाहर, डोंगरी में आ चुके हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? डोंगरी में थोड़ा घूम रहे, नाश्ता भी करने गए, भूख लग रही थी तो आगे गए नहीं बैंड स्टैंड से पहले भी, थोड़ा रास्ते में यहाँ रुक गए, नाश्ता करेंगे। अभी अब तक बैंड स्टैंड देंगे, बैंड स्टैंड पर बैठेंगे, थोड़ा बाद में आएंगे यहाँ पे, अब रात में आएंगे अपने ना, रात में चाहेंगे अब डायरेक्ट यहाँ पे, अभी नहीं आते। या ऐसा रहता देखो, अभी उतरे नहीं तो लोकल आ भी गई। या ऐसा रहता है यार, यहाँ पे जरा 2 सेकंड रुके नहीं कीड़े तो उतरे नहीं तो लोकल आ खड़े रहते, हर 2 मिनट को लोकल आ रही, हर 2 मिनट को। तो क्या बात थी यार, फिर लोकल में घूमते नहीं, रोज साल में घूमते नहीं। मेरी नींद अभी प्रॉपर खुली नहीं, इसलिए ऐसी बात हो रही है। ये हो सकता सही बात है, अपन गार्डन देंगे बोल रहा, फिर बाद में उधर गार्डन में देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो सी द, हां समंदर के बाद देंगे, गार्डन में बैठेंगे, थोड़ा फोटो शूट करेंगे, थोड़ा सुबह का मंदिर है, सुबह सुबह का मंदिर है, थोड़ा फोटो शूट करेंगे, फिर उसके आगे निकलेंगे। मुंबई का ब्यूटीफुल सीनरी आ रही है, बहुत मज़ा आने वाला है गाइस हमें सफर में, आप इंजॉय कीजिए। अरे कहना क्या चाहते हो? या ऐसा रहता देखो, मैं आया तो पूरी लोकल ट्रेन खाली है, मैं नहीं रहता पूरी भरी हुई रहती, इतने वीडियोज आते हैं यहाँ से पूरी लोकल ट्रेन भरी हुई, मेरा आते पूरी लोकल ट्रेन खाली करा देती है। रेल मंत्री यार, रेल मंत्री तो पहचान बना के रखना, पुनः जब पूरी गाड़ी खाली मिलती फिर अपने रेल मंत्री का फोन आया तो हमारे भी काफी होता है बंद कर दिया तो ये गाना इलेक्ट्रॉनिक देख के लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। भैया यकीन नहीं हो रहा है कि ये वही है, बोले अभी भी परसों टूर बंद कर दिए। वो कैसे है उधर का रेंज को ज्यादा कर दिया, अच्छा, हाँ। बस रखे 1200-1600 रुपए रेट हो गया उसका है ना, 1500 रुपए ही रास्ते का, बस में बिठा के लेके जाते हैं, क्या रोड मार के लाता हूँ सामने बता दे को ये सेट है वो खुला, उसमें टाइम पास अच्छा होता और इंजॉयमेंट भी बहुत हो जाता, हर चीज देखने को मिल जाती, थोड़ा महंगा है लेकिन जंगल में ना, हाँ जंगल में, पर वहाँ कोई बोलने वाला नहीं है, ट्रैफिक नहीं कुछ नहीं। पुराने ऐसे ऐसे इलाके हैं देखोगे ना, तो पहले के पिक्चरों में तुम देखोगे लोड करके देखोगे ना तो सब इलाके नजर आएंगे। सही पॉइंट्स और पिक्चर्स में वो पॉइंट बराबर मिलना, अपने को याद आना टाइम पे, अभी यहाँ से देखे गए ना, जब पिक्चर्स देखेंगे ना जब याद आएंगे, हाँ ये पॉइंट देखे अपन ने, गैलेक्सी हाँ ये फर्स्ट फ्लोर।
अभी इधर बंद हो गया लॉकडाउन के बाद से। अच्छा। इधर पे ह्यूमन ट्रस्ट का डॉक्टर आता था सलमान खान का। हाँ। पर डे का सलमान खान है ना, तुम यकीन नहीं करेंगे 10 से 15 लाख रुपया बांटता। हाँ, पब्लिक को। इसका कैंसर का प्रॉब्लम है, इसको किडनी का प्रॉब्लम है। हाँ। बोनी कपूर। इसमें सोनम कपूर की शादी हुई। हाँ। और देखो डॉक्टरों के 3 मिनट तो बंद है बड़े वाले। हाँ। हाँ। ओहो। ये ऊपर वाला। रानी मुखर्जी। और यहाँ पर आता है बॉलीवुड के किंग खान, दुबई के ब्रांड एम्बेसिडर शाहरुख खान का बंगला। इनको तो कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है, इसलिए हमने फोटो भी नहीं लगाया और इनका नाम भी नहीं लिए, बस सिर्फ इतना बोल दिए कि मन्नत आ गया। अंकल मिले थे, क्या नाम है अंकल आपका? आपका नाम क्या है? अब्दुल हमीद सर, हमको मिले थे बांद्रा स्टेशन से यहाँ तक, पूरा अच्छे से बताए गए टूर आप लोगों ने जैसे देखा। आपका नंबर बता सकते हैं अंकल? 9820 41 41 8789। ये अंकल का कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग जब भी आए बांद्रा में आपको टूर करना है पूरा, जितने भी घर हैं यहाँ पे, घर जितने भी है, जैसे हमको मन्नत के लिए बाहर लाके भी ड्रॉप कर रहे हैं अंकल ने, तो आप लोग भी आएंगे अंकल कॉन्टैक्ट करिए, अंकल पूरा घूमेंगे ना अंकल पब्लिक आई तो इंशाल्लाह। गाइस माशाल्लाह से अभी हम आ चुके हैं बैंड स्टैंड पे। शाहरुख खान के बंगले के सामने एकदम यहाँ बैठेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। गाइस शाहरुख खान का मुझे फोन आया था, शाहरुख खान अभी नहा रहा है, इसने मेरे को बोला थोड़ी देर के बाद आओ। भाई को उतरे अपने फोन कर रहा था शाहरुख खान, कब आ रहे का है सीएसटी पे उतरे भी तो फोन आया था, क्यों कहाँ तक पहुंचे क्या बोलिए। गाइस जहाँ तक नजर जा रही पूरा समंदर अपना, जहाँ तक नजर जा रही समंदर अपना है, पूरा समंदर अपना है गाइस, पूरा अपनी जमीन है। राजखंड हुआ इधर कोई बाकी रहेगा तो ऐसा लगा मेरा मतलब। कितने की भाई ककड़ी? और अब आप छुआ देख रहे कैसा बैठा, दे दो ना एक प्लेट। एक प्लेट पूरी ककड़ी आती है। अच्छा, चाट मसाला अच्छा लगा लो थोड़ा, है ना चाट मसाला? सो गाइस यहाँ पे फोटो शूट हुआ चालू है भाई का, हमारा हो गया कम्प्लीट, हमारा मतलब उमर भाई कंप्लीट हुआ अभी हमारा फोटो शूट। उमर भाई ने फोटोज ले लिए अभी, अच्छा से खिंचा लिया है, हमारी बारी है फोटो लेने की, भाई का ले रहे हो? हाँ अरे लिया, रुको अभी, अरे जल्दी भैया, अरे मेरा बाकी है ना फिर, अरे फिर हाँ एक भैया जाना है। अपन किसके इलाके में? हाँ क्या बोले, किसके इलाके में? अपन अभी आज गाइस आज हमारे इलाके में आए हुए हैं हम, जहाँ तक नजर जा रही पूरा समंदर अपना, बताओ अपने समंदर को बताओ, वो देखो शिपा किराए से दिए हुए अपन ने, बताओ उधर। हाँ वो शिप है, देखो बैक कैमरा बता, वो देखो अपने टाइटैनिक जा रहे हैं सामने, शिप है वो टाइटैनिक जा रहा है सामने। और क्या, हाँ बोलते रहो बोलते रहो, ब्लॉग बन रहा तुम्हारा बोलते रहो। देखो काफी बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पे। हाँ और ये अच्छी पिक्चर जरा दिखा रहा है यार, बाप अस्तगफिरुल्लाह तो वो लाहौल वाला कुवत। देखो गाइस अपने बड़े बड़े पत्थर है यहाँ पे, काफी पानी है, आराम में हमने इतना दिए कि आप अगर बच भी है तो आराम में थोड़ा डर के बारे पीछे हट गए, आराम में वहाँ से सीधा यहाँ पे आ गए। ये सामने था देखो, मैं यहाँ पे ये पॉइंट पे यहाँ फोटोज ले रहा था, वो सामने से एक लहर में गुस्सा भी दिखा पत्थरों के ऐसा, तो भाई ने बोले मगर मैं जा रहा, बोले तुम्हें डर के पीछे आएगा, क्या करेंगे भाई, जान प्यारी तो जहाँ है, जान है तो जहाँ है, जान प्यारी है। माशाल्लाह काफी मजा आ रहा है मुंबई में, तो अपने शाहरुख भाई का बताओ। हां वो पीछे शाहरुख भाई कर रहे हो अभी जरा, अरे क्या हुआ शाहरुख को बुला रहे थे तुम, नाश्ता कर रहे करते हो? हां नाश्ता कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। प्रणाम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ब्लॉग में। हम गरीबों को लाइक बढ़ाइए, सब्सक्राइब बढ़ाइए, ये भाई की बहुत काम। नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक को सपोर्ट कर रही, सब्सक्राइब भी कर रही, मोनेटाइजेशन कंप्लीट हो गया हमारा, और कुछ नहीं होना पब्लिक के लिए। गाइस हमारे इलाके में आए हुए हम, कोई नहीं गाइस, स्मेल आया हुआ है, पानी भर लो। क्या है, पानी पानी आया हुआ है अपने इलाके में, आ जाओ। क्या बोले आंटी, फोटो दे दे, आ रही है। अरे गाइस वेलकम बैक, मैं आ चुका हूँ गाइस, हमारे आए थे कुछ, उनको मैं बता रहा था
कि किस तरह अपन समंदर में एंजॉय कर सकते हैं। अरे यार बैठा रहा, फोटो लेने को गए थे तो उनकी सॉरी सॉरी गाइस। ये समंदर धीरे धीरे करके काफी आंग पे आ रहा है हमारे। अरे बाप, अरे पीछे चलो पीछे चलो। रात में कहते भाई ने बताया पूरा ऊपर आ जाता हूँ, और एक बार हमने एक्सपीरियंस कर चुके हैं रात में आए थे हम यहाँ पे 2 साल पहले 2021 की बात है। हम रात में यहाँ विजिट किए थे रात के टाइम पे 12-12.5 बजे का टाइम था, आधा घंटा बैठने को मिला था, कुछ 1 बजे बंद करा दिए, तो पूरा वो टाइम पे पूरा समंदर पूरा पीछे तक आ गया था, जहाँ तक अभी आए वहाँ तक भी नहीं आ सके थे। तो गाइस अभी बहुत टाइम हो गया, आधा से 1 घंटा हो गया यहाँ पे, अच्छे से एंजॉय कर फोटो शूट कर लिए। अरे मेरी फोटो नहीं है तुमने एक भी। तो गाइस अभी धूप बहुत ज्यादा बढ़ गई थी तो अभी निकल गए वहाँ से, समंदर से बाहर आ गए, अच्छा एंजॉय हो गया थोड़ा बहुत। और ये बिल्डिंग्स बंगले होंगे ताज पहले सामने, ये बताते आपको। सो गाइस ये ताज लैंड्स एंड होटल, ताज होटल जहाँ पे पार्टीज होती, सबकी शाहरुख खान भी अक्सर यही पार्टी करते हुए नजर आते। ये ऐसी सी गाड़ी आम बात है यहाँ पे, वॉल्वो ये सब। अभी कोल्ड ड्रिंक लिया हमने, ठंडी बहुत है यहाँ पे। बहुत गर्मी है गाइस, मैं ठंडी बोल दिया गलती से, सॉरी सॉरी, गर्मी गर्मी। ये गाड़ी अब वो औरंगाबाद में ठंडी है ना, ठंडी की आदत होगी। पूरे अपनी गाड़ी है, ड्राइवर है सब अपने अपने होटल गाड़ी से लिए, अपने टाटा भाई की, रतन टाटा अपने, रतन टाटा की होटल है, अच्छा दिला रतन टाटा की होटल है, रतन टाटा अपने खा लो गाइस। सोच रहे थे अभी 1200 का बफेट है अंदर, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे ना जब जाएंगे अंदर, अभी तो भूख नहीं इतनी, खाना वाना खा लिया थोड़ा थोड़ा करके, स्ट्रीट फूड ही इतना खा लिया है कि पेट फूल है अभी। बफे बोले तो एकदम अनलिमिटेड रहता ना, तो अच्छे से उसको फिर 1200 वसूल करने भी आना। हमारा लंच है अभी अंदर ही वेस्ट में, चल रहा लंच बताइए हम आपको किस किस्म के बॉम्बे में खाने मिलते हैं। वो सामने ऑपोजिट टर्न जा रहे मन्नत के पास में, वहीं से बस मिलेंगे, फिर उससे आगे बांदा स्टेशन। बांदा स्टेशन कहाँ जाने का अपने को? अंधेरी। अंधेरी, अच्छा अंधेरी आने का। क्या बोल रहे हो? देखो ना क्या बोल रहे हो। तो कहते हैं बैठ चुके हैं बस में, अब जा रहे हैं बांदा रेलवे स्टेशन, वहाँ से देखते हैं आगे कहाँ होता जाना। बांद्रा की बस में बैठ चुके हैं हम, ये बांद्रा रेलवे स्टेशन की, अब हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, वो डिसाइडेड नहीं है अभी, देख रहे हैं कि कहाँ जाएंगे, वो ट्रेन के बाद मालूम पड़ेगा। हाँ गाइस, मुंबई के रोड देखिए आप लोग। इसी तरह से लेफ्ट राइट देखते हुए मुंबई की लाइफ टाइम लोकल ट्रेन से मजे लेते हुए मुंबई के बड़े बड़े बिल्डिंग के रिक्शे अंदर की खुली को लेते हुए ऑफिस जाते हुए लोगों को देखते हुए हम हमारे डेस्टिनेशन के करीब पहुँच चुके हैं। इसी तरह से यहाँ आता है हमारे डेस्टिनेशन में चेंजेस। हम लोग सोचे थे बांद्रा स्टेशन से निकल कर जाकर अपना लंच करेंगे, लेकिन हमें मालूम पड़ा बाद में कि हमारे लंच में तो अभी टाइम है, तो हमने सोचा क्यों ना अभी इस वक्त को यूटिलाइज़ किया जाए। तो इसी तरह हम लोग पहुँच चुके हैं चर्च गेट स्टेशन, चर्च गेट से हमने बस पकड़े और बस से निकल कर गेट ऑफ इंडिया की तरफ। तो गाइस अभी आ चुके हैं हम गेट ऑफ इंडिया के सामने, रहा ताज होटल,
और माशाल्लाह से हमारी किस्मत अच्छी है अभी कि पब्लिक ज़्यादा नहीं है, पब्लिक बहुत कम है, तो फटाफट बोटिंग करके आ जाएंगे। बोट भी पूरी खाली है। तो अचानक से क्या हो गया यार, समझ नहीं आ रहा तुझे मुंबई वैसा अचानक हर चीज़ अपने टाइम के हिसाब से अपने हिसाब से हो रही है। चीज़ें भी सस्ती सस्ती एकदम, फेरी भी पूरी खाली, बोट्स पब्लिक भी नहीं कुछ भी, सिक्योरिटी भी अच्छी है टाइट, लोकल ट्रेन में भी ज़्यादा रश नहीं है। किस्मत है भैया हमारी, किस्मत लेके आए हमने। तो चल रहे एलिफेंटा, हाँ सोचो अभी डिसाइड करो क्या है, तो एलिफेंटा निकल जाएंगे वहाँ। बोल रहा ताज होटल, ये न्यू ताज होटल। हाँ सो गाइस हम लोग बेड में बैठ चुके हैं अभी, एक फेरी लेने की जा रहे हैं। पहले डिस्कशन चल रहा था एलिफेंटा जाते क्या, अलीबाग जाते क्या, सिर्फ नॉर्मल लेके आते 30 मिनट ग्राउंड, तो अभी कंफर्म हो गया 30 मिनट ग्राउंड लेके आ रहे खाली जाएगी। क्यों एलिफेंटा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, 4 घंटे लग रहे थे। हमारा तो मूड बन गया था, मेरा मूड बना था अलीबाग का, लेकिन फिर अलीबाग को भी टाइम लग रहा था और उसकी अभी जान दो, बाद में जाएंगे और भी घूमने का थोड़ा बहुत। कुछ ऐसा सीन रहता देखो यहाँ का, आप में से काफ़ी लोग तो आ ही चुके लेकिन जो नहीं आए वो लोग देख लो। यहाँ से मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, मुंबई अटैक 26/11 गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, पाकिस्तानी सिर्फ और सिर्फ 10 पाकिस्तानी आकर पूरी मुंबई को हला के रख दिए थे। सिर्फ 3.5 घंटे का वो टाइम था और लश्कर के 10 लोगों ने पूरे हिंदुस्तान को हला के रख दिया था। न्यूज़ चैनल्स टीवी चैनल्स हर जगह बस 26/11 ही चल रहा था। इसी सफ़र को याद करते हुए, उस दिन को याद करते हुए, हम तो खैर बहुत छोटे थे वो टाइम पर, लेकिन उसके बाद जो हमने मूवीज़ देखी, उसके बाद जो हमने न्यूज़ लगाकर मतलब सर्च करके पुरानी न्यूज़ देखी, वो सब को याद करते हुए हमेशा मैं जब भी आता हूँ गेटवे ऑफ इंडिया और ये बोट की राउंड लेने जाता हूँ, बस मेरे दिमाग में वही चलता है कैसा रहा होगा वो दिन, कितने लोगों ने अपने माँ बाप खो दिए, कितने लोगों ने अपने बच्चे खो दिए, कितने लोगों ने अपने भाई बहनों को खो दिए। बस अल्लाह करे वो दिन और वो मौका मतलब कभी पाकिस्तानियों को ना मिले और हिंदुस्तान को कभी वो दिन देखना ना पड़े फिर से। राइट रहती है, फिर इंजॉय कर रहे, बहुत मज़ा आ रहा, बहुत सारे वीडियोस भी लिए। ऐसा कुछ मंजर है देखो, बहुत ज़्यादा आ गए, बहुत बहुत ज़्यादा आ गए आगे। अरे क्या भाई चलते जा रहा, जल्दी आ रहा हूँ। हाँ भाई क्या हजकुद ले जा रहा है, हजकुद ले जा रहा है, दूर दूर तक पहुँच रहा है। तो गाइस अब निकल रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया से, बाहर जाएंगे। चलो गाइस बहुत मज़ा आया है और इसी के साथ हमारे नाव का सफर यहाँ ख़त्म होता है। नाव वाले को तो बोले थे हमने दिल्ली गेट तक छोड़ दे, बोलिए लेकिन छोड़ा नहीं। खैर भाई यार दिल्ली गेट में कौन सा समंदर जॉइंट होता, कनेक्शन जुड़ा था, बात हुई मोदी साहब से। नंदो दिल्ली गेट का बोल कराची छोड़ गया था नंदो। खैर सलीम वाली लेक की भी, सलीम भाई की तबीयत खराब है तो लेक भी बंद नहीं हो इस हिसाब से। अब नाव घूमने वाले यहाँ से उतर जाओ, उम्र में हैरान भी। चलो ठीक है अपन चलो आगे बढ़ते हैं, अगर पानी पीएंगे तो गाइस जाकर आ गए, लेकिन पानी की प्यास लग रही थी, सफोकेशन हो रहा था, वो नींबू पानी ले लिया। तो गाइस अभी जा रहे हम लोग अंधेरी सीएसटी स्टेशन पे आ गए, टिकट विकेट निकाल लिए, अभी निकल रहे अंधेरी के लिए। यहाँ से सीधा निकले अंधेरी स्टेशन की तरफ, अंधेरी से हम गए अपनी डेस्टिनेशन पे, वहाँ पर हमने खाना वाना खा लिए थे, फिर उसके बाद हमने, हमारे पास सामान कुछ ज़्यादा आ गया था, फिर वीडियो बनाने का मौका ही नहीं मिला, और बस भी हमारी बहुत जल्दी आ गई थी वहाँ से अंधेरी स्टेशन रिटर्न आने के लिए। फिर वापस अंधेरी बैठ के हम CSK आ गए, CSK से अपने औरंगाबाद शहर को पहुँचा दिए। तो गाइस पहले हम पहुँच चुके हैं CSK रेलवे स्टेशन, अब रिटर्न जा रहे हैं देवगिरी की ट्रेन से, 9:30 की ट्रेन है, 5 बजे छोड़ेंगी सुबह में। हमारे साथ में थोड़ा सामान भी है, दोनों के साथ में सामान ही सामान को एडजस्ट करते हुए लेके जाने गए।
ये सामान को एडजस्ट करते हुए लेके जाने का सेफ्टी से, आराम रात का सफर है, आराम से लेके जाने का एकदम सेफ्टी से। शोर बहुत रहते हैं रात में, चोरी होती है, बहुत चोरी बहुत होती रात के टाइम पे। दादा आगे कुछ नहीं, आगे अपना गुड्डू जाना पड़ रहा है। ये देखो ये जनरल कोच के हालत है आजकल ऐसे, जनरल कोचेस पूरे फुल रह रहे तो बेचारे लोग सोने के लिए रात में ऐसे सीट के नीचे जाके सो जाते हैं, क्या बुरे हालत। ये दोनों बिहार के जाने वाले लोग हैं और मनमार सिंह की ट्रेन थी बिहार के लिए। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं औरंगाबाद रेलवे स्टेशन और उसके आगे कुछ भी शूट नहीं कर रहे थे, सो गए थे एकदम, जाके नींद आई, फुल थके हुए थे, दिन भर से घूम रहे थे। और इंशाल्लाह एक और ट्रिप है ना अपनी, नहीं इंशाल्लाह, हाँ एक और ट्रिप रहने वाली है, तो फिर मिलेंगे आपसे जल्दी, स्टे ट्यून्ड। एक और एक ब्लॉग आने वाला है, इससे बढ़िया आएंगे इंशाल्लाह, वो और अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे और होपफुली आपको मज़ा आया होगा। ट्रेन भी जा रही है, अब निकल रही। सो गाइस मैं भी घर पे आ गया, सामान वो ज़्यादा था स्टेशन पे तो शूट करे बस, सीधा फटाफट भागते भागते घर पे आ गया सीधा डायरेक्ट। अभी मेरे को नींद भी आ रही और साथ में भूख भी लग रही, तो मैंने कुछ ना कुछ ऑर्डर करेंगे सोच के जोमेटो ऑन करा, तो मेरे को पास वाला KFC का आउटलेट चालू मिल गया, तो मैंने अभी बर्गर और चिकन पॉपकॉर्न ऑर्डर कर दिया। अभी ऑन द वे आने में चे बस सीधा ऑर्डर खाने का है, अभी फटाफट बर्गर और सीधा पड़ जाने गए। पूरे रास्ते में 7 घंटे की ट्रेन में वो सोते हुए आया पूरा। थैंक यू सो मच भैया, इतनी रात को भी ऑर्डर लेकर आए आपने। कोई बात नहीं यार, चलो रेटिंग देना बस। हाँ रेटिंग आपको देंगे बिल्कुल। सो गाइस अपना ऑर्डर आ चुका है, एक चिकन चीज़ तंदूरी बर्गर और एक क्लासिक जिंगर चिकन बर्गर और साथ में पॉपकॉर्न। ओके सो पहले हम ट्राई कर रहे हैं चिकन तंदूरी बर्गर। इसके अंदर की स्टफिंग्स पूरी सेम वैसी है जैसे आउटलेट पे मिलती है अपने को डाइनिंग में, और इसके जो बाहर की ब्रेड है ना वो उन्होंने बासी दे दी है, बाकी सब क्लासिक जिंगर बर्गर। अब ये सही है बराबर, इसकी ब्रेड भी फ्रेश एकदम। अब ट्राई करते हैं चिकन पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न में क्रंचीनेस नहीं है, एकदम सॉफ्ट हो गए पॉपकॉर्न, मतलब 7-8 बजे बना के रखे होंगे उसको उन्होंने। अभी सिर्फ उसको गर्म करें ओवन में और दीजिए, घर में क्या करते मिल गया बस हो गया थी रात को। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।